नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे NFPA कोड के बारे में। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि NFPA कोड की फुल फॉर्म क्या है, या फायर का NFPA कोड कितना होता है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का NFPA कोड क्या है, फायर पंप का NFPA कोड कितना होता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। अगर इनके बारे में हमें पता होगा तो हम इनका आंसर देंगे, अन्यथा इन क्वेश्चनों को छोड़ना पड़ता है। तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में देखते हैं कि NFPA की फुल फॉर्म क्या होगी। देखिए, N से बनता है नेशनल, F से बनता है फायर, P से होता है प्रोटेक्शन और A से होता है एसोसिएशन। नेशनल, फायर, प्रोटेक्शन, एसोसिएशन। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो नेशनल यानी राष्ट्रीय, फायर अग्निशमन, प्रोटेक्शन सुरक्षा, एसोसिएशन संगठन। राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा संगठन होता है कौन? NFPA। तो कभी भी पूछा जाए NFPA के बारे में तो राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा संगठन। तो यह है इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद में अब बात करते हैं NFPA कोड्स की तरफ, कौन कौन से कोड होते हैं और उसमें क्या कुछ लिखा गया है। तो सबसे पहले आएगा NFPA 1। तो NFPA 1 जो होगा वो होता है फायर का, आग का, फायर का। कभी भी पूछा जाए कि फायर का NFPA कोड कितना होता है तो आंसर देंगे 1। उसके बाद में NFPA 2 जो होगा वो होता है स्टैंडर्ड कोड फॉर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड कोड फॉर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये होता है NFPA कोड 2 का, स्टैंडर्ड कोड फॉर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, और 1 होता है फायर का। उसके पश्चात आता है NFPA 3 जो होगा उसमें लिखा जाता है स्टैंडर्ड कोड फॉर कमिश्निंग ऑफ फायर प्रोटेक्शन एंड लाइफ सेफ्टी सिस्टम। तो ये होगा NF3 के अंदर। इसके बाद में पूछते हैं NFPA 4 के बारे में। तो 4 जो होगा वो होता है स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटीग्रेटेड फायर प्रोटेक्शन एंड लाइफ सेफ्टी टेस्टिंग। तो ये जो होगा वो होगा NFPA 4 के अंदर। इसके पश्चात आता है NFPA 10 के अंदर लिखा जाता है स्टैंडर्ड कोड फॉर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले करके जा सकते हैं उनका NFPA कोड होता है 10। फिर इसके बाद में NFPA 11
11 जो होता है वो होगा स्टैंडर्ड कोड फॉर हाई लो एंड मीडियम एक्सपेंशन फॉर्म। सिस्टम जो होगा वो होगा किसके अंदर, 11 के अंदर। फॉर्म को तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है, लो मिडिल और हाई, इनका फैलाव के अनुसार बांटा जाता है। तो उनको स्टैंडर्ड कोड द फोर ऑफ हाई लो और मिडिल एक्सपेंसिव जो फॉर्म सिस्टम होता है वो होगा एनएपीए 11। फिर आता है इसके बाद में 11 ए के अंदर, एनएफ 11 ए के अंदर होता है स्टैंडर्ड कोड फॉर हाई एंड मिडिल एक्सपेंशन फॉर्म सिस्टम, तो वो होगा एनएफपीए 11 के अंदर ए में। ठीक है, 11 के अंदर था हाई लो और मिडिल, और 11 ए में आता है हाई एंड मिडिल। उसके पश्चात पूछा जाता है एनएफपीए 12, जो 12 होता है वो होगा स्टैंडर्ड कोड फॉर फायर कार्बन डाई ऑक्साइड एक्सटिंग्विशमेंट। तो ये होता है एनएफपीए 12 के अंदर 12। इसके बाद में आता है एनएफपीए 13 जो होगा वो होगा स्टैंडर्ड कोड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो ये होगा एनएफपीए 13 के अंदर। अगर मैं बात करूं एनएफपीए 14 में, एनएफपीए इसमें लिखा जाता है स्टैंडर्ड कोड फॉर इंस्टॉलेशन फायर होज पाइप एंड स्टैंड पाइप सिस्टम। तो ये जो होगा इंस्टॉलेशन फॉर फायर होज पाइप एंड स्टैंड पाइप, वो होता है किसके अंदर, है एनएफ 14 के अंदर। फिर अगर मैं बात करूं 15 के अंदर, तो 15 जो होगा एनएफपीए 15, इसमें होता है स्टैंडर्ड कोड फॉर फायर इंस्टॉलेशन वाटर स्प्रे प्रोटेक्शन सिस्टम। तो वो जो होगा वाटर स्प्रे सिस्टम, वो एनएफपीए 15 के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ऊपर से। इसके बाद पूछा जाता है एनएफपीए 17 के बारे में। तो 17 जो होगा वो होता है स्टैंडर्ड कोड फॉर फायर ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशमेंट इसके बाद में पूछा जाता है एनएफपीए 18 के बारे में। 18 जो होगा उसमें होता है स्टैंडर्ड कोड फॉर वीटिंग एजेंट सिस्टम। फिर इसके बाद में लास्ट आता है
NFPA 20 जो होगा उसके अंदर देखने को मिलता है फायर पंप, तो इसमें लिख देंगे फायर इंस्टॉल स्टैंडर्ड कोड फॉर, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फायर पंप, फायर प्रोटेक्शन पंप। सिस्टम तो ये होता है 20 के अंदर स्टैंडर्ड कोड फॉर फायर इंस्टॉलेशन प्रोटेक्शन जो पंप सिस्टम होता है वो, या डायरेक्टली भी हम इसका आंसर दे सकते हैं फायर पंप, तो वो उसका एनएफपीए कोड होता है 20। तो जितने भी थे अच्छे तरीके से हमने देखे 1 से लेकर के 20 जितने भी इंपॉर्टेंट एनएफपीए कोड थे वो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।